और अभी मैं बनाने जा रही हूँ शकरकंद की चाट, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है पापड़ी, साथ में हरी चटनी, थोड़े से अनारदाने, और रेड सॉस के बदले आज मैं टोमेटो सॉस भी यूज करूँगी। तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग देखते रहिएगा मैंने कैसे बनाया है। तो आज की सुबह का नाश्ता यही बनेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 10:15, मतलब 10 बजकर, हाँ 10:30 होने वाले हैं। लेकिन अभी आपको दिखाती हूँ, घर के अंदर तो देख रहे हैं रोशनी है, लेकिन अभी आप घर के बाहर देखो कैसा मौसम है। ये देखिए, ये देखिए, मेरे घर के आगे जो भी बिल्डिंग्स है ना, कुछ भी नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं, ना तो इधर दिख रही है, इधर थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, और इधर बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। हालांकि कबूतर वगैरह आकर के पानी वानी पी रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, लेकिन बाहर जाने का नाम पे देखिए कैसा लग रहा है। मतलब इतना धुंध है, कई दिनों से मैं ऐसे ही देख रही हूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as a chemical. नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठंड का अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज समय निकाल करके मैंने अपनी एक बालकनी को क्लीन किया है, क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो गई थी। और ऐसे ही सर्दियों के दिनों में ठंड तो बहुत लगती है, लेकिन समय निकाल करके कुछ ना कुछ काम को निपटाते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बालकनी में जितने भी मतलब पॉट वॉट थे सब निकाल दिया। मैं क्लोथ पिन वगैरह जैसे बाहर ही रखती हूँ, तो उसको भी अच्छे से धो दिया, क्योंकि ये ना गंदे होते हैं तो आपका कपड़ा भी गंदा होता है। तो जैसे मतलब बालकनी को मैंने क्लीन किया, तो उसकी फिर से अरेंजमेंट भी अच्छे से कर दी। एक टेबल रखा और साथ में एक चेयर रख दी, जिससे कि कभी कभी बैठने में अच्छा लगे। और जब इस तरीके से आप काम करते हैं ना, तो जब देखें कि चेयर वगैरह जो होती है उन सबको भी क्लीन करते हुए चलें, इससे क्या होगा कि ना आपको ना मतलब अलग से टाइम निकाल करके नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ही सारी चीज़ें हो जाएगी। तो अगर आपके पास भी मतलब थोड़ी बड़ी बालकनी है या 3-4 बालकनी है, तो आप एक एक दिन करके इस काम को निपटाएं, क्योंकि एक दिन में करना चाहेंगे ना तो वो होगा नहीं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हल्की सी जैसे ही धूप आती है तो सोचती हूँ चलो फटाफट कुछ काम निपटा लूँ। तो जैसे कि ये पॉट वगैरह जैसे रखते हैं, तो ये सब भी गंदे हो गए हैं, काफ़ी दिनों से इन सब की देख रेख नहीं हो पा रही है। तो अब धीरे धीरे मैं इन सबको केयर करना शुरू करूँगी। तो अभी तो मैंने इस मतलब जो हमारा गमला है ना, उसमें मैंने पालक और धनिया बोया था, तो उन सबको मैं भी पानी वानी डाला, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पानी भी नहीं डाल रही थी, इसलिए निकल भी नहीं रहे थे। तो इन सब में पानी डाल के, और एक मन को बहुत ही तसल्ली सी मिलती है जब इस तरीके से आप एकदम फ्रेश होकर के और फ्रेश तरीके से सारी चीज़ों को निपटाते हैं। तो अगर आपके पास भी टाइम नहीं है, तो मेरे जो मैं बताती हूँ उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, एक एक कोना पकड़िए और उसको क्लीन करते चलिए। यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उन सबको मैंने धो दिया, क्योंकि सब पे ऐसे होता है थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। सर्दियों में एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम गर्म पानी की बोतल रखते हैं या स्टीम करने के लिए स्टेबलाइजर, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं साइड टेबल पे या इधर, तो सब पड़े रहते हैं। तो उन सबको ज़रूर क्लीन कर लीजिए, जैसे ही लगे कि हल्का सा मौसम ठीक हुआ है या आपकी तबीयत अगर ठीक हो गई है, तो इन चीज़ों को फटाफट हटा दे, क्योंकि ये चीज़ें रखने से ना, कहते वास्तु के हिसाब से भी ये चीज़ें साइड में रखना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपने स्टीम लिया है और उसके अंदर पानी है, तो उन सबको आप फेंक दें और फिर उसको क्लीन करके रख दें, जब ज़रूरत होगी फिर उसमें डालेंगे और फिर अपना काम कर लेंगे। तो ऐसे ही करके मैं भी चीज़ें निपटाती रहती हूँ, करती रहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको अकेले ही सारा काम निपटाना पड़ता है, तो ऐसे ही लोगों में से मैं भी हूँ। मेरी हेल्प वैसे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, पर जो चीज़ें मुझे जानकारी में है उसको मैं ही करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें आता ही नहीं है या उनको जानकारी नहीं है तो वो नहीं कर पाते। खाना आजकल बहुत ही अच्छा लगता है, और आज धूप भी निकली है। सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, लेकिन वो धुंध छटके और बहुत ही अच्छी धूप आ गई है। तो थोड़ी देर मैं धूप में बैठी थी और वहां पर मैंने संतरे छीले, तो अभी मुझे एक आइडिया आया जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने
देख सकते हैं कि संतरा छिलके, संतरा नहीं एक्चुअली कीनू है, तो कीनू के ये छिलके हैं और साथ में ढेर सारे फ्रूट्स भी कट गए, तो इसको तो हम खाएंगे, मतलब अंदर लेंगे। और ये जो छिलका है ना, इस छिलके का आज मैं एक स्क्रब या पैक जो भी समझे वो बनाने जा रही हूँ, बहुत ही शानदार पैक बनाने वाली हूँ। सर्दियों में इस पैक को अगर आप लगा करके चेहरे पर 10 मिनट के लिए भी रख लेंगे ना, और उसके बाद उसको रब करके धो लेंगे, तो आपका चेहरा एकदम सुंदर, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये एकदम ऑर्गेनिक है तो कोई नुकसान तो है नहीं, तो आप लोग भी इसको बना करके अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। इसको चेहरे पर ही क्यों, आप अपने हाथों हाथों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे ड्राइनेस और फटाफटा सा हो जाता है ना, तो उस पे भी आप लगा के थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। मैं और बैठ के इसको खाऊंगी और साथ में आपको पैक बना करके दिखाती हूँ। तो ये है सूखी हुई गुलाब और थोड़े से ताजे गुलाब, और ये रहा कीनू का छिलका। थोड़े से जो फ्लावर है ना वो मैंने इसको सुखा के रखा था, तो इसको भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ डाल के और फिर इसको पीसूंगी मिक्सी में। तो मैंने यहाँ पर जो सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ थी ना उनके डंठल निकाल दिए, और जो ताज़े फ्लावर थे उनको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ताज़े फ्लावर हो तो ज़्यादा अच्छा है, सूखे हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर ताज़े हैं ना तो आप उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि कीनू जो संतरे का छिलका है ना, अभी मैं कीनू के छिलके के यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास संतरे का छिलका है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा साइट्रिक एसिड होता है ना, मतलब वो थोड़ा सा नींबू वाला काम करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मेरे पास अभी कीनू ही था तो मैंने कीनू का ही यूज़ किया। इसमें भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है और ये भी अच्छा होता है, तो दोनों ही चीज़ें, गुलाब की पंखुड़ियाँ और साथ में संतरे या कीनू का छिलका लेकर के थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद इसको एक साथ पीसेंगे। तो इसमें ना थोड़ा सा पानी आप ज़रूर डाल लीजिएगा, अगर पानी नहीं डालना है तो आप थोड़ा सा, मतलब जैसे गुलाब जल वगैरह हो वो भी डाल करके पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एकदम महीन पीस लिया है, और ये मतलब ऐसे छूने से ना लगता है जैसे बिल्कुल ही हल्का है, क्योंकि फ्लावर का है ना, तो काफ़ी हल्का सा महसूस हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा तो अभी कटोरी में निकाल रही हूँ, और बाकी को मैं किसी डब्बे में रख के और फ्रिज में रखूँगी। एक हफ्ते के लिए इसको आप यूज़ करना, और एक हफ्ते से ज़्यादा मत यूज़ करना, क्योंकि ये एकदम ताज़ी है ना, तो हो सकता है ख़राब हो जाए। सूखे हुए का पेस्ट, मतलब पाउडर बना के आप रखते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, वो काफ़ी दिनों तक चलता भी है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। तो अभी तो मैं हाथ में लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि चेहरे पे लगाने से थोड़ा सा, मतलब अभी वो वॉशरूम में जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं दोनों जगह दिखा रही हूँ, थोड़ा सा चेहरे पे लगा के और बाकी मैं हथेलियों पे लगा करके दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा ये ऐसे आपको नहीं लगेगा कि पेस्ट की तरह है, मतलब एकदम स्मूथ सा होता है। तो इसको बस हल्का हल्का आपको मिलाना है, और मिला करके और थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ना है। ये जो पेस्ट है ना, ये बहुत अच्छा फ्रेशनेस लाता है आपके चेहरे पे, आपके हाथों पे। तो देखिए यहाँ पर कटोरी में जो मैंने निकाला था ना, उसको मैं चेहरे पे लगा रही हूँ, क्योंकि हथेली पे तो मैंने काफ़ी अच्छे से लगा लिया था, और हल्का सा पिंकिश होगा क्योंकि गुलाब की पत्तियाँ हैं ना इसके अंदर, तो थोड़ा हल्का सा कलर आपके चेहरे का पिंकिश हो जाएगा। तो इसको आप 5 मिनट के लिए मैं रखूँगी, 5 मिनट से 7 मिनट आप रख सकते हैं, चाहे तो 10 मिनट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अच्छे से आप इसको रगड़ के और बस इसको धो लीजिए ठंडे पानी से, और उसके बाद फिर हल्के से गर्म पानी से, तो चेहरा बिल्कुल ही आपका साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मैंने धो लिया, और क्योंकि जैकेट पहना था तो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, तो अब मैंने थोड़ा सा गर्म पहन लिया है, क्योंकि जैसे ही दिन थोड़ा सा ढलता है ना तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है, और मेरे चेहरे पर देखिए कितना फ़र्क आ गया, और सबसे बड़ी बात है कि छूने से बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब मैं आपको एक DIY हैक्स बता रही हूँ। तो ये DIY हैक्स एक पुराने गिफ्ट बॉक्स का है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार बहुत सारे शादी वादी के डब्बे आते हैं, या कोई कोई गिफ्ट देता है जैसे ग्लास वगैरह के जो डब्बे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हम क्या करते हैं कि मतलब नहीं पता होता तो फेंक ही देते हैं,
लेकिन मैं इसका यूज आज कर रही हूँ, लेकिन आज नहीं एक्चुअली पहले से ही यूज कर रही हूँ। तो लेकिन अब मैं इसको क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसका मेकओवर कर देती हूँ। तो अंदर की साइड से जो थोड़ा सा मतलब लिखा हुआ है कुछ कुछ, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे मैं वॉलपेपर का यूज करूँगी। और ऊपर जो टैग्स थे ना, उस टैग को हटा दिया है मैंने। ऊपर भी एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगाऊंगी जिससे कि देखने में सुंदर लगे। तो देखिए ये वॉलपेपर ना चिपक जाता है ना, तो इसको लगाना आसान होता है। तो अंदर की साइड से जो ढक्कन है ना, उस पे मैंने इस वॉलपेपर को चिपका दिया और उससे ना देखने में इतना अच्छा लगने लगा कि मैं क्या बताऊँ। और इसके अंदर मैं बहुत दिनों से काफ़ी सारी चीज़ें रखती आ रही हूँ। मेरे पास ये डब्बा दो या तीन है, तो मैं तीनों का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके के डब्बे हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो खाली डब्बे होते हैं ना, या जूते का बॉक्स होता है, या गिफ्ट बॉक्स होता है, या कुछ इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं, आप इस किसी भी चीज़ का सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जिधर से मैंने चूड़ियाँ रखी है ना, उधर से एक कपड़ा मैंने साटन का बिछाया हुआ है। ये बहुत पहले से मैं रखती आ रही हूँ, शायद मैंने किसी वीडियो में दिखाया भी होगा। और मैं सोच ही रही थी इसका DIY करूँ, तो इसका जो कलर है ना ब्लू, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा इसको नहीं हटाऊंगी, इसको हटाऊंगी तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। बस बीच के जो टैग्स थे ना, उसको मैंने हटा के, और इसके ऊपर मैं एक क्राफ्ट पेपर है, इसको मैं फेविकोल की सहायता से इसके ऊपर चिपका दूंगी। तो मैंने तो सोचा पहले लंबाई में लगाना है, लेकिन लंबाई में फ्लावर थोड़ा उल्टा हो रहा था, तो फिर मैंने सीधे साइड से लगाने के लिए सिर्फ बीच में इसको लगाया। और लगाते ही ये इतना सुंदर हो गया कि देखेंगे आप तो लगेगा कि ये मेकओवर जो करते हैं ना DIY का, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसी डब्बों को आप फेंके नहीं, इसका अच्छे से रीयूज करें। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियोस को अगर देखते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कर दिया कीजिए। अच्छी लगती है तो लाइक करके और फिर शेयर कीजिए। लाइक कर दे पहले आप, उसके बाद शेयर कर दें। और अगर चैनल पे बने रहना है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस चैनल को आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर इसे वीडियो एंजॉय तो करते ही होंगे मुझे ऐसे लगता है। अगर नहीं करते हैं तो मुझे ज़रूर सजेशन दीजिए कि आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोज़। और यहाँ पर देखिए ये क्राफ्ट पेपर है ना, उसको मैंने ऊपर चिपका दिया और ये इतना सुंदर दिखने में हो गया। यूज़ तो मैं पहले से ही कर रही थी, अब इसका थोड़ा सा मेकओवर कर दिया तो अब ये और भी खूबसूरत हो गया। तो कैसा लगा मेरा ये DIY गिफ्ट बॉक्स को रीयूज करना। और अंदर देखिए मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ रखी हुई है। इसको मैं रेगुलर बेसिस पे जैसे कभी एक चेंज किया फिर पहन लिया, ऐसी चीज़ों के लिए मैंने रखा हुआ है। तो चलिए अब इसको, ये तैयार हो गया, इसे रखते हैं अपनी जगह पे और आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपको कौन सी वीडियोस देखना पसंद है मेरे चैनल पे, टिप्स की या होम मैनेजमेंट की या टूर या ट्रेवल की, जो भी है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर